नमस्कार भाइयों, तो स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं होबार्ट हरिकेन्स वर्सेस पर्थ स्कॉचर्स के बीच में जो बिग बैश लीग का 8वां मैच खेला जाना है उसकी। और भाइयों, अभी तक के बिग बैश लीग के जितने भी मैचेस हुए सभी मैचों में आपके भाई ने जबरदस्त अल्ट्रा क्लीनशिप किए, और आज का मैच भी शानदार है। होने वाला क्या है वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी भाइयों, इस वीडियो में मैंने आपके लिए गिव अवे भी रखा है। गिव अवे विनर बनने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस मेरे क्वेश्चन का आंसर देना है। अगर आप मेरे क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले सही दे देते हो तो आपको मिलेगा 11,111 रुपये। तो क्वेश्चन क्या है वो मैं आपसे आगे पूछूंगा, सीधे बात कर लेते हैं आज के मैच के ऊपर। तो भाइयों, सबसे पहले बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट की। लोन केस्टन में मैच खेला जाएगा भाइयों, और इस पिच पे होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस पिच पे भाई फास्ट बॉलर्स को अच्छी खासी हेल्प मिलती है, बॉलर्स को सूट करता है ये विकेट। और यहाँ पे जो भी टीम टॉस विन करती है वो पहले बैटिंग करती है, क्योंकि यहाँ पे रन चेस करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो यही सब पिच रिपोर्ट है। बाकी हाँ, बॉलिंग विकेट है, थोड़ा ज़्यादा बॉलर्स को एडवांटेज है, बल्लेबाज यहाँ पे स्ट्रगल करते हैं, बस यही पिच रिपोर्ट है। अब सीधे बात कर लेते हैं टीम की, तो सीधे चलते हैं ड्रीम इलेवन पे। वहीं से भाई मैं अपनी टीम भी बना लूँगा और गिव अवे का क्वेश्चन भी मैं आपसे वहीं पर पूछ लूँगा। ओपन हो गया है ड्रीम इलेवन, टीम मैंने बना के रखी है, आपको बता देता हूँ क्या मेरी टीम है। सबसे पहले बात कर लेते हैं विकेट कीपर सेक्शन में। जोश इंग्लिश 2 डाउन बैटिंग करने वाला है और विकेट कीपरिंग करने वाला है। मैथ्यू वेड ओपनिंग करने वाला है, ओपनिंग नहीं, 1 डाउन बैटिंग पे आएगा और विकेट कीपरिंग करने वाला है, और साथ में कैप्टन भी है अपनी टीम से। तो ये स्मॉल लीग की टीम बना के बता रहा हूँ मैं आपको। बात कर लेते हैं मैं लेने वाला किसको, मैं यहाँ से लूँगा भाई मैथ्यू वेट को, शानदार प्लेयर है, बिग बैश लीग में रिकॉर्ड भी अच्छे हैं, हर मैच में चली जाता है, ठीक है। तो जोश इंग्लिश भी अच्छा है, जोश इंग्लिश के भी बिग बैश लीग में रिकॉर्ड बहुत अच्छे हैं, तो जोश इंग्लिश को भी आप ट्राई कर सकते हो। करेंट लीग में लेके चलना, स्मॉल लीग में भी ले सकते हो। अब आ जाता हूँ मैं वेटिंग सेक्शन में। वेटिंग सेक्शन में बेन मैकडरमॉट है, फाफ डू प्लेसिस है, एस्टन टर्नर है, कप्तान है पर्थ स्कॉचर्स का, टीम डेविड है, कैमरन बेनक्रॉफ्ट को भी इस मैच में खिलाया जा सकता है, आसिफ अली है, होप्सन है, एडम लाइट है, एडम लाइट ओपनिंग करने वाला है। मैं बता देता हूँ आपको मैं लेने वाला किस किस को। मैं लेने वाला हूँ भाई यहाँ से बेन मैकडरमॉट को, भाई इसके रिकॉर्ड बहुत अच्छे हैं बिग बैश लीग में, और लास्ट ईयर तो इसने शतकों की झड़ी लगा दी थी, ठीक है, बिग बैश लीग में। और अच्छा प्लेयर है और हार्ड हिटर बल्लेबाज है, चौके छक्के मारता है और ओपनिंग भी करने वाला है, ज़बरदस्त रहने वाला है, बिल्कुल मैं लेने वाला हूँ। फाफ डू प्लेसिस भी भाई इस मैच में ज़बरदस्त रहने वाला है। फाफ डू प्लेसिस यार भाई हर मैच में मारता ही है, कहीं भी खिला लो, हर लीग में रन मारता है, ठीक, शानदार प्लेयर है, एक्सपीरियंस प्लेयर है, मैं लेने वाला हूँ, स्मॉल लीग टीम बना रहा हूँ मैं। बाकी भाई एस्टन टर्नर को आप ग्रैंड लीग्स में ट्राई करो, बॉलिंग डाल सकता है एस्टन टर्नर इस मैच में, वो इसलिए क्योंकि क्या है कि होबार्ट हरिकेन्स की जो टीम है उसमें मैथ्यू वेड है, DRC शॉर्ट है, 2 लेफ्टी है टॉप ऑर्डर में, तो उनको आउट करने के लिए ऑफ स्पिनर को बॉलिंग पे, ऑफ स्पिनर खुद ही एस्टन टर्नर है तो खुद आ सकता है बॉलिंग पे, ठीक है, ट्राई कर लेना, खासकर ग्रैंड लीग्स में जरूर लेके चलना, बॉलिंग बैटिंग दोनों कर सकता है। टीम डेविड को लेने वाला हूँ भाइयों में, टीम डेविड बड़ा ज़बरदस्त बल्लेबाज है और भाई हर मैच में रन मार ही देता है, जब भी बैटिंग आती है बंदा खाली नहीं जान देता है, छक्के मारता है, लंबे छक्के मारता है, जब भी मारता है तो 100+ मीटर के छक्के मारता है, और भाई यार मत पूछो, बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर है, मैं लेने वाला हूँ। कोई भी टीम बैटिंग करे या बॉलिंग करे, इस बार टीम डेविड मेरी टीम में जरूर रहेगा।
बाकी भाई आप चाहो तो यहाँ से एडम लाइट को भी ट्राई कर सकते हो, किसकी जगह पे, फैफ डु प्लेसिस की जगह पे या फिर बेन मैकडरमॉट की जगह पे आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। एडम लाइट को शानदार प्लेयर है, ओपनिंग करता है, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है, देख लेना खेलेगा तो, वैसे तो खेलेगा, ओपनिंग करने वाला है, ग्रैंड लीग्स में तो ज़रूर ट्राई करना। और बाकी यहाँ से कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है, आसिफ अली, निक होपसन, इनको भी आप ग्रैंड लीग्स में ट्राई करो, क्या है कि भाई ऑस्ट्रेलिया के पीछे यहाँ पे बॉलर्स को थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट्स रहते हैं, और क्या है कि बल्लेबाज यहाँ पे ऐसे बल्लेबाज चल जाते हैं जो किसी की टीम में नहीं रहते, तो उनको आप ग्रैंड लीग्स में ज़रूर ट्राई करना, जैसे आसिफ अली है, होपसन है, एस्टन टर्नर है, इनको आप ग्रैंड लीग्स में ट्राई करना। अब आ जाता हूँ मैं ऑलराउंडर सेक्शन में, ऑलराउंडर सेक्शन में DRC शॉर्ट है, लेफ्ट आर्म चाइनामैन गेंदबाज और लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज, ओपनिंग करेगा अपनी टीम से, शानदार प्लेयर है भाई इसका, बिग बैश लीग में बहुत ज़बरदस्त रिकॉर्ड है और हर साल ये रनों की बारिश करता है, पर लास्ट मैच फ्लॉप गया, पर भाई ज़बरदस्त बल्लेबाज है, चल जाएगा तो बिल्कुल लंबी इनिंग खेलता है, और क्या है कि कभी कभी ये पूरे अपने 4 ओवर गेंदबाजी भी डाल देता है, तो इसको स्मॉल लीग में छोड़ना एक बड़ा रिस्क हो सकता है, तो DRC शॉर्ट को मैं लेने वाला हूँ। बात की जाए एस्टन एगर की, तो भाई इस मैच में एस्टन एगर के फ्लॉप होने के 80-90% चांसेस हैं, बैटिंग से अगर कुछ कर ले तो कर ले, नहीं तो बॉलिंग से चलने के बहुत कम चांसेस है, वो इसलिए क्योंकि DRC शॉर्ट और मैथ्यू वेट ये दोनों लेफ्ट हैंडर हैं, और उनके सामने अगर ये बॉलिंग पे आएगा तो विकेट मिलने के चांसेस कम रहेंगे, क्योंकि ये है लेफ्ट आर्म स्पिनर एस्टन एगर, और लेफ्ट हैंडर्स के सामने ये विकेट नहीं चटकाता है, विकेट लेस चला जाता है, तो देख लेना ये चीज़ें। बाकी यहाँ से ए हार्डी इस मैच में बॉलिंग भी डाल सकता है, वो इसलिए क्योंकि अगर एस्टन एगर का एक ओवर महंगा साबित हो गया तो उसके ओवर कट जाएंगे, और उसके ओवर फिर हार्डी डालने वाला है, ठीक है, तो देख लेना, ग्रैंड लीग्स में ज़रूर ट्राई करना, बल्लेबाजी भी करता है अच्छी। लास्ट पर्थ स्कॉचर्स के मैच में आपके भाई ने सारी ग्रैंड लीग्स विन करी थी, हार्डी था मेरे पास में, वो जो मेरी GL विनिंग टीम थी। बात कर ली जाए शादाब खान की, तो भाई शादाब खान को मैं लेने वाला हूँ, बॉलिंग बैटिंग गेंदबाजी से पूरे 4 ओवर और 2 डाउन बैटिंग, भाई ज़बरदस्त प्लेयर है, बॉलिंग भी करने वाला है, बैटिंग भी करने वाला है, इसको आप CVC भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और बाकी ज़्यादा खास कोई ऑलराउंडर है नहीं। अब आ जाता हूँ मैं बॉलिंग सेक्शन में, बॉलिंग सेक्शन में रिचार्डसन, लास्ट मैच में मैं कैप्टन बना के आया था, 4 विकेट 160 प्लस पॉइंट हो गए थे भाई, तो इस मैच में भी मैं लेने वाला हूँ, ज़बरदस्त गेंदबाज है, बिग बैश लीग में हर मैच में विकेट चटकाता है, डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करता है, और भाई बहुत ही शानदार गेंदबाज है, राइट आर्म फास्ट बॉलर है, और क्या है कि इसकी अगर बैटिंग आ जाती तो रन भी बना देता है, ऑलराउंडर प्लेयर है, ठीक है, बैटिंग भी 6-7 पे करने आ जाएगा, तो भाई रिचार्डसन को बिल्कुल आप लेके चलो, ज़बरदस्त गेंदबाज है, लास्ट मैच में कैप्टन था मेरा सारी टीमों में। एंड्रू टाई को लेने वाला हूँ मैं, एंड्रू टाई का भी भाई बिग बैश लीग में बहुत ही ज़बरदस्त रिकॉर्ड है, और हर मैच में बंदा विकेट चटकाता ही चटकाता है, डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करता है, और भाई इसकी भी अगर बैटिंग आ जाती तो ये भी रन मार देता है, तो भाई वो बिल्कुल ये दोनों तो आपको लेना ही है स्मॉल लीग में, कोई भी टीम बॉलिंग करे या बैटिंग करे। बाकी भाइयों यहाँ से मैं राइली मेरेडिट को भी लेने वाला हूँ, इसका भी भाई बिग बैश लीग में बहुत ही ज़बरदस्त रिकॉर्ड है, हर मैच में ये बंदा विकेट लेके जाता ही है, और अगर इसकी बैटिंग आती है तो ये रन भी बना देता है, तो ज़बरदस्त रहने वाला है, मैं बिल्कुल लेने वाला हूँ। भेंड्रो लेफ्ट आर्म फास्ट गेंदबाज, ये शुरू में ही अपने 4 ओवर डाल देता है, कभी कभी 3 डालता है, और कभी अपना 4th ओवर 15वां या 16वां डालता है, विकेट टेकर गेंदबाज है, एक्सपीरियंस गेंदबाज है, ऑस्ट्रेलिया में खेला हुआ इंटरनेशनल प्लेयर है, बहुत शानदार गेंदबाज है, और लास्ट मैच में भी मैं लाया था, 2 विकेट ले गया था, तो इस मैच में भी मैं लेने वाला हूँ। बाकी भाइयों इस मैच में नाथन एलिस को कोई भी नहीं ले रहा है, आप ले लो भाई, मैं भी लूँगा, बड़ा ज़बरदस्त गेंदबाज है, ये डालता है डेथ ओवर्स में गेंदबाजी, 15 ओवर से लेकर 20 ओवर तक के अपने 3-4 ओवर डालता है, ठीक है, तो ये एंड टाइम में बॉलिंग डालता है और उस टाइम पे विकेट गिरने के चांसेस हाई रहते हैं, तो ज़बरदस्त रहेगा, और क्या है कि ये ऑलराउंडर प्लेयर है, ये रन भी मारता है, तो नाथन एलिस भाई इस मैच में ज़बरदस्त रहेगा, और लोग ड्रॉप कर रहे हैं,
आप ले लो, मैं बोल रहा हूँ ले लो, बढ़िया काम होगा आपका। बाकी भाइयों यहाँ से आप जे पेरिस को भी ट्राई कर सकते हो, खासकर ग्रैंड लीग्स में ट्राई करना जे पेरिस को। शानदार गेंदबाज है, विकेट टेकर गेंदबाज है, लास्ट मैच में भी 2 विकेट मिल जाते हैं पर 2 बार केज ड्रॉप हो गए थे। और बाकी यहाँ से भाइयों एम केली, ये भी बड़ा ज़बरदस्त गेंदबाज है। DRC शॉट कम करके आप चाहो तो एक गेंदबाज बढ़ा लो, एम केली को ले लो या फिर यहाँ से जे पेरिस को ले लो, ठीक है, ऐसा आप कर सकते हो। और बाकी यहाँ से भाइयों पैट्रिक डुले लेफ्ट आर्म गेंदबाज है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, ठीक है। वैसे स्पिनर को यहाँ पे हेल्प तो मिलती नहीं है, पर क्या है कि ये है लेफ्ट आर्म स्पिनर और पर्थ स्कोचर की टीम में राइट हैंडर्स ज़्यादा हैं तो उनके सामने कारगर साबित हो सकता है, गुच्छों में विकेट ले सकता है, ठीक है। तो देख लेना ग्रैंड लीग्स में ट्राई करना इनको आप। टीम मेरी बन चुकी है, ये मेरी टीम है। अब बात कर लेते हैं गिव अवे की, गिव अवे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ अब मैं आपसे। चलो आपको बताना है भाई इस मैच में नाथन एलिस कितने विकेट लेने वाला है, कितने कैच पकड़ने वाला है और कितने रन बनाने वाला है और टोटल मिला के कितने फैंटेसी पॉइंट्स लेने वाला है। क्वेश्चन एक बार और रिपीट कर रहा हूँ मैं, नाथन एलिस इस मैच में कितने विकेट लेने वाला है, कितने रन बनाने वाला है, कितने कैच पकड़ने वाला है और टोटल मिला के कितने फैंटेसी पॉइंट्स लेने वाला है। तो जो भी आपको लगता है कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट्स जरूर करें, अगर आपका आंसर सबसे पहले सही आएगा तो 11,111 रुपये आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आंसर ज़रूर देना। और भाइयों कुछ टर्म एंड कंडीशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। आंसर तो आप नो डाउट दोगे ही दोगे, कमेंट तो आप बिल्कुल पक्का करोगे ही करोगे, साथ में आपको वीडियो को लाइक भी करना है, ठीक है। और गलती से भी आपको अपनी कमेंट एडिट नहीं करना है, एक से ज़्यादा आपको कमेंट नहीं करना है, नई आईडी बना के आपको कमेंट नहीं करना है। कल भाई बहुत से बंदों ने क्या करा कि 50-50 आईडियों से एक एक बंदे ने कर ली कमेंट, 500-500 कमेंट्स, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक आईडी से करो, लाइक करो और बस आंसर दो। अगर आपका आंसर सबसे पहले सही आएगा एक कमेंट में तो आपको गिव अवे दिया जाएगा, ठीक है भाइयों। बस अब गिव अवे की बात हो गई, अब सीधे बात कर लेते हैं CVC जो बचे हैं, CVC बना लेते हैं। तो भाइयों इस मैच में फिर से मैं कैप्टन बनाने वाला हूँ रिचर्डसन को। हर मैच में बंदा विकेट चटकाता है और रन भी मारता है, कैच भी पकड़ता है, ठीक है, दे तो वर्ष में गेंदबाजी करता है। वॉइस कैप्टन बनाऊंगा मैं नाथन एलिस को। एलिस का भी रिचर्डसन और एलिस दोनों मान के चलो कि सेम, दोनों का सेम है बॉलिंग बैटिंग और दे तो वर्ष में गेंदबाजी। तो भाइयों ये मेरी स्मॉल लीग की टीम है, फाइनल नहीं है, फाइनल आपको मिलेगी टेलीग्राम पे, टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है भाइयों। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट मैच में, तब तक के लिए धन्यवाद भाइयों, आपका दिन शुभ हो, ढेर सारी आज आपकी विनिंग्स।